नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं प्रणंद। आज कृषि भवन परिसर जो सोभिया पर कृषि फॉर्म में अवस्थित है, वहां पे खरीफ 2023 महाअभियान को लेकर एक कर्मशाला का आयोजन था और वहां पे जो भी कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी और जो भी हैं वो सारे लोग वहां उपस्थित हुए थे। इस दौरान किसान सलाहकारों ने एक तरह से जमकर विरोध प्रदर्शन किया, काली पट्टी बांध कर अपना विरोध जताया, नारेबाजी भी किया। और इन लोगों का कहना था कि इसके पीछे की जो वजह बताया कि हम लोग 13 साल पूर्व से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को कहा गया था कि जनसेवक के रूप में आप लोग को समायोजित किया जाएगा, आप लोग का तनख्वाह भी या मानदेय जो मिल रहा है वो सम्मानजनक होगा, लेकिन हम लोग घिसट रहे हैं और हम लोग की सुनवाई सरकार के स्तर से नहीं हो पा रही है और जो मानदेय मिलता है वह सम्मानजनक नहीं है, तो इस कारण से हम लोग विरोध जता रहे हैं। तो चलिए, वहाँ का क्या माहौल रहा वो हम आपको दिखाते हैं और जो आंदोलनकारी जो किसान सलाहकार थे उनका क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। एक अपील कर देते हैं दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलते हैं, हम आपको लिए चलते हैं कृषि कार्यालय सोभिया पर की ओर। एक है, एक है, एक है, आवाज दो, हम एक है, एक है, एक है, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। क्रम का काला पट्टी लगाकर क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आज काली पट्टी लगाकर सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का जो बहाली हुआ था वो जनसेवक के भारी कमी को देखते हुए हमारा बहाली किया गया था किसान सलाहकार के पद पर। आज 13 वर्षों से हम लोगों को इस काम के बदले ना तो उचित मानदेय दिया जा रहा है और ना ही हम लोगों का बस यही मांग है कि हम लोगों को जनसेवक के पद पर समायोजन किया जाए और जनसेवक के अनुरूप मानदेय दिया जाए। काली पट्टी आप लोग क्यों लगा कर विरोध कर रहे हैं? काली पट्टी हम लोग लगा करके इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों को प्रत्येक पंचायत में एक के जनसेवक के रूप में हम लोगों को बहाली किसान सलाहकार के रूप में किया था, लेकिन आज तक हम लोगों के साथ जो है से सौतेलापन करके और हम लोगों को केवल बरगलाया जा रहा है, न कि हम लोगों को कुछ राशि मिल रही है और इतनी कम हम लोगों को मानदेय दिया जा रहा है जिससे हम लोगों का भरण पोषण, बाल बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, ले ही सर। सबसे पहले बात कि बाबा बनवापरे की सबसे दोन हुआ था, नहीं जरूरत।